अब दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट ले रहा है। सुबह के समय हल्की गुलाबी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली में हल्की बारिश होने के आसार भी नजर आ रहे हैं, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा रविवार को भी बरकरार रही थी। आलम यह रहा कि दिल्ली के 16 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 200 से ऊपर यानी कि खराब, जबकि 4 इलाकों का 300 पार यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिल्ली एनसीआर की दिखा रहे हैं, जहां ये सोमवार सुबह की तस्वीरें हैं, जहां पर आप धुंध देख सकते हैं। बाहरी दिल्ली के एक इलाके DTU का AQI तो 400 से भी अधिक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। इसका मतलब यही है कि समग्र तौर पर देखा जाए तो राजधानी की हवा खराब श्रेणी में आ रही है। हवा की रफ्तार बहुत तेज ना होने की वजह से और तापमान में कमी आने के चलते प्रदूषक कण वातावरण में ज्यादा देर तक ठहर पा रहे हैं, इसीलिए AQI में वृद्धि देखने को मिल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक रविवार को राजधानी का AQI 233 रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। शनिवार को ये 257 था। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मौसम की मेहरबानी से अगले दो दिन AQI में गिरावट देखने को मिल सकती है।